मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आपका स्वागत है। आइए आज आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे दुनिया में जो कलाकारों की दुनिया है, उनके सपनों की दुनिया है। चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जा रही हूँ एक आर्ट शो में जहाँ की इनवाइट किया गया है और वहाँ पे इनॉग्रेशन है। 50 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आएंगे, उनका आर्ट शो है, उनके जो उन्होंने कलाकृतियाँ बनाई हैं उसका प्रदर्शन है। तो चलिए मेरे साथ, आपके बिना तो मैं कहीं जाती नहीं, तो आप मेरे साथ चलिए और लेट्स सी कैसा होता है प्रोग्राम का। ये वेन्यू है ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। So we would like to start a ceremony by Diya ceremony. So I would request all the guests to just light the Diya. As already mentioned by Kiran, we are very old and Ministry of Culture, Government of India. So Mamta ji, it's all up to you. Namaskar aap sabhi ko, and I hope everyone understands Hindi. So sabse pehle to sir, bahut acha laga aap se milke, kyunki main khud bhi ek sculpture artist hoon aur maine Lucknow Fine Arts College se padhai kari hai, but usko pursue nahi kiya bahut aage tak, because main masters maine kar liya conservation of art objects pe National Museum se, and for past 27 years I am working with Ministry of Culture and conserving the art, culture and heritage in different locations of India and abroad. So बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी कल्चर की बातें करता है, और सचमुच भारत से आगे कोई देश नहीं है। हम इतने रिच हैं कल्चरल हेरिटेज में, मतलब हमारी गलियों में, हमारे घरों में, यहीं से आर्ट फॉर्म शुरू हो जाते हैं, और जितनी भाषाएं हैं, जितने शहर हैं, जितने गांव हैं, उतने फॉर्म्स हैं हमारे पास। सो बहुत रिच है, बस हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी की, आर्टिस्टों की, और आर्टिस्टों की क्यों, सभी की, कि अब हमको उसको बचाना है, क्योंकि आगे आगे लाइफ थोड़ी सी फास्ट हो रही है, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो कर रहे हैं, हमारी जनरेशन के सब लोग कर रहे हैं, और अब हमको यंग जनरेशन को इसकी वैल्यू बताते हुए आगे बढ़ना है, तो उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा रहेगा। आप इस तरह से एक्सिबिट करते रहोगे, और मैं तो चाहती हूँ खूब इन्वाइट कीजिए लोगों को। आज तो इनॉग्रेशन डे है, लेकिन आगे के जो टीचर, जो भी आप लोगों के पास डेज है, स्कूल्स को इन्वाइट कीजिए, यंग बच्चों को इन्वाइट कीजिए, और एक एक को ना एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि बच्चे आएंगे देखेंगे, मेन होता है कि आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं, आपकी आपके थॉट्स क्या हैं इस आर्ट को बनाने में, क्रिएट करने में, वो ज़रूर बताइए। उससे क्या होता है, इम्पैथी डेवलप होती है, उनको लगता है हाँ ये भी तो एक फॉर्म है अपने बातों को नो आप तक, लोगों तक पहुँचाने का। सो इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं होगी, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए और हम आपसे समझें कि आपने क्या यहाँ पे शो किया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हुआ कैटलॉग का विमोचन, और इसमें जितने भी आर्टिस्ट सारे जो थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 53 आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, उनकी डिटेल्स थी, उनके कलाकृतियों के बारे में डिटेल में लिखा गया था, तो इसको हमने विमोचन किया, और ये बहुत हेल्प करती है ये कैटलॉग आपको उनके बारे में जानने। सुनिए संतूर वादन, बहुत ही खूबसूरत। Thank you.
बहुत शौक है मगर खुशबू को फैलने का शौक है, मगर खुशबू जो है वो आर्टिस्ट है, आप लोग भी सब आर्टिस्ट हैं, बट आर्टिस्ट के साथ अभी आप ऑडियंस भी हैं, तो खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। अभी जो मैं एक धुन तैयार की है छोटी सी आप लोगों के लिए, अब शुरू होती है एग्जीबिशन और हमने शुरुआत की पहले आर्टिस्ट से जो कि फ्लावर्स जिन्होंने बनाए हुए थे, आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का टॉप पहना हुआ है नाइला नाम है इनका, और बहुत खूबसूरत फ्लावर पेंटिंग इन्होंने रिलीफ मेथड से बनाई हुई थी। उसके बाद हम चाहते थे कि हर आर्टिस्ट अपने बारे में हमें बताए, क्योंकि इससे आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है और आपको भी समझ में आता है कि उनके क्या थॉट प्रोसेस रहे होंगे। बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं आर्टिस्ट अपने थॉट्स को दिखाने में, उसको प्ले करने में। कई आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कुछ नहीं, बस प्लेन कैनवस छोड़ा हुआ था और कहा बस मुझे ऐसा ही अच्छा लगा, तो उसमें आपको अपना थॉट्स देना पड़ता है अपनी, यू नो जो बिल्कुल ब्लैंक पेंटिंग्स जिन्होंने बनाई हुई है कि बस मैंने बनाई है, अब आप सोचो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, साइलेंट नहीं रहना किसी के एग्जीबिशन में, एक्सप्रेस योर सेल्फ, आर्टिस्ट हैं आप, राइट, एंड डू वर्क, कंटिन्यू। सबको समझते हुए, कोई बिल्कुल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे और कोई किन्हीं आर्टिस्टों ने बहुत रियलिस्टिक वर्क किया हुआ था, खासकर ये जो गणेश की पेंटिंग है। So this is the closest that I came to it. I mean, you know, if you can see the caves here, the ruins which are there, people tend to not look at them too much or they just forget about them. But this painting essentially is to bring out the essence and how, you know, it connects us to our past. So I've connected the ruins, you know, the ancient, you know, our culture with, you know, these elements that have been added here which add life to it. So in a way connected that, you know, we are connected to our past, they are not separate from each other. So you know, and the fact that, you know, these are elements which are related to prayer and the caves here as well. So, you know, we do have a lot of lost temples in our country, you know, which are in ruins and, you know, no prayers are happening there anymore. So maybe this is also, I mean, you know, as I think about it, as I talk to you, that it is a call out, you know, to reach back to our heritage, to our culture, and it ties back to that. ये मेरी सबसे फेवरेट कलाकृति थी, देखिए बहुत खूबसूरत, और यही कॉम्बिनेशन में ये भी, और बाकी ये पूरा हॉल था, और ऐसे दो हॉल्स में सारी कलाकृतियाँ लगी हुई थी। तो थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को देखने के लिए, इस तरीके के प्रोग्राम्स, जिनको भी आर्ट पसंद है मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आएंगे। और ये थे मेरे सबसे खूबसूरत फ्लावर्स, आई लव फ्लावर्स, और जहाँ भी मुझे फ्लावर्स मिलते हैं मैं उनको छोड़ के नहीं आती हूँ, और ऑर्गेनाइज़र्स को ये पता था इसलिए उन्होंने जाते जाते मुझे याद दिलाया कि मैम अपने फूल लेते जाइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छे व्लॉग्स के लिए आगे मेरे चैनल को लाइक करते रहिए।